हार जीत की बात तो तब आती है जब हम किसी से कंपटीशन में आए या लड़ाई करें। हमने तुम्हें कहा तुम अपनी प्रेमा भक्ति बढ़ाते जाओ, मन के विकार अपने आप हार जाएंगे। एक बच्चा भी बहुत शरारत करता है ना, उसको बार बार अगर रोकने की कोशिश करो तो ज़्यादा होता है। उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दो, थोड़ी देर बाद थक के वहीं सोफे पे ही सो जाता। मन भी ऐसा ही है, इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तुम लोग पता नहीं क्यों मुश्किल काम करने की बहुत कोशिश करते हो। जो मुश्किल से मुश्किल काम है सोचते हो वो तो हमें करना चाहिए, हम कह रहे हैं आसान वाला काम करो। गोपियों ने कितना आसान काम किया, उद्धव गया ज्ञान बताने, कहती हैं हम प्रेम दीवानी हैं वो प्रेम दीवाना है, ए उद्धव हमें ज्ञान की पोथी ना सुनाना। ये मत सुना, हमारे लिए ये काम बड़ा भारी है तेरे ज्ञान वाला। प्रेम आसान है, आसान काम है, मन को प्रेमा भक्ति में लगा दो। तुम फिर मन से भिड़ने में लगे रहते हैं सारा दिन, फिर मन में ये आ गया फिर वो आ गया, फिर डर हटा दें फिर हेजिटेशन हटा दें। जहाँ प्रेम है वहाँ ना डर होता है ना झिझक होती है, कोई बात ही नहीं होती है। रामकृष्ण परमहंस थे ना, एजुकेटेड नहीं थे, देहाती भी थे और लोग कलकत्ता में काफ़ी अच्छी कम्युनिटी थी आसपास, तो लोग मिलने आया करते थे, ख्याति भी फैली रही थी धीरे धीरे। जब लोग आते थे तो वो डर जाते थे अंदर से, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास इतना शब्दकोश नहीं है। ये बात तो उन्होंने विवेकानंद से भी कही थी, मेरे पास अनुभव है तेरे पास वाणी है तो तू मेरी बात को सब तक पहुंचा पाएगा। खुद भी डर जाते थे, तो पहले तो उनको डर लगता था, समझो पता चला आज कोई मिलने आ रहा है बात करने आ रहा है, घबरा देते थे। लेकिन फिर थोड़ी देर में अंदर विचार करते थे कि मैं थोड़ी बोलूँगा, माँ बोलेगी, जो मिलने आ रहा है कोई वो थोड़ी आ रहा है, माँ मिलने आ रही है। फिर जा के बाहर झांकते थे, आया नहीं वो अभी तक जिसको आना था, तो कैसे पलटा आया? ईश्वर से तो प्रेम था, जो ईश्वरीय भाव बनाया तो अंदर का सब डर सब झिझक सब बातें गुम हो गई। हम भी अपने प्रेम को बढ़ाते चलें, ज़्यादा खेचल करो ना ज्ञान की भी, उसमें भी परेशानी हाथ आती है। एक अहंकार हाथ आएगा, एक परेशानी हाथ आएगी। सहज स्वभाव रहो, मौज में रहो, मस्ती में रहो और किसी से कंपैरिजन मत करो। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, हम दूसरों को देख के परेशान हो जाते हैं। जैसे संसार में होता है कि जो लोगों के पास दुख है अपना दुख दुखी नहीं कर रहा, दूसरे का सुख दुखी कर रहा है। कई बार हम लोग यहाँ आके भी यूं ही उलझने लगते हैं, ये तो कैसे हंसता है, ये तो कैसे बोलता है। अब तुम उससे कंपेयर करोगे तो और वीक हो जाओगे। कंपेयर मत करो, तुम अपने आप में काफ़ी कंफर्टेबल हो। जब तुम अपनी बात कह लेते हो, चाहे लिख के चाहे सामने आके अपनी बात कह लेते हो, कंटेंट भी हो खुश भी हो, फिर ये एक ज़बरदस्ती का कांटा अपने को चुभा के क्या करना है? डॉक्टर के पास जाके कोई भी ये चेष्टा नहीं करता कि उसको इंजेक्शन लगा रहे हो डॉक्टर साहब मुझे भी लगाओ, बल्कि बचने की कोशिश करते हैं कि इंजेक्शन की नौबत तो ना ही आए, दवाई दे दो डॉक्टर साहब, ज़रूरी है इंजेक्शन लगाना क्या, नहीं चाहते ना। या हम सबको देख के अपने को इंजेक्शन क्यों ठोकना चाहते हैं ज़बरदस्ती का, कोई बात है ही नहीं।
लेकिन उलझा लेते हैं अपने को। हर एक का देखो एक बेसिक नेचर होता है, और यहाँ आके भी हर एक अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही चलता है। मान लो हठ का, अहंकार का स्वभाव है, उसको तो चलो आप जीत लोगे, लेकिन कुछ बेसिक बातें होती हैं। अब किसी का नेचर शुरू से ही रिजर्व है, कम बात करता है, तो यहाँ आके वो बकबक करनी नहीं सीखेगा, वो अपना सत्संग उसी में ही लागू कर लेगा। किसी का हंसने बोलने का स्वभाव है, उसको हम ज़बरदस्ती ज्ञानी भी नहीं बना सकते। फिर वही बुद्ध और मीरा वाली बात आ जाएगी, बुद्ध मीरा नहीं होंगे, मीरा बुद्ध नहीं होंगे, कोई किसी जैसा नहीं होगा। भाई अभी किसी का जाली नेचर है, हंसने बोलने का स्वभाव है, उसको हम कहें नहीं तू ज्ञानी बन, ऐसे बैठ ज़बरदस्ती आँख बंद कर ले, ऐसे कर ले, वो कुत्ते बिल्ले मारेगा आँख बंद करके, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको रिलैक्स रहने दो उसकी परिस्थिति में, तुम रिलैक्स रहो अपनी परिस्थिति में। ज्ञान कंफर्टेबल करता है हमें, किसने कहा ज्ञान हमें दुविधा में डालता है, ज्ञान तो बहुत कंफर्टेबल बनाता है। मेन बात आपको मन साफ रखना है, बाकी तो बाहर से सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, और जैसी प्रकृति है हर कोई वैसा ही चलेगा। हर कोई अपने फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपने स्टेटस में, हर कोई अपने अकॉर्डिंग ही चलता है, उसमें कोई बात ही नहीं है कि हम किसी को यहाँ से पकड़ें, वहाँ डालें, वहाँ से पकड़ें। इवन परमात्मा को भी नॉवल्टी पसंद है। देखो दो शक्लें एक सी नहीं बनाई हैं, सब्जियों की विभिन्नता, फलों की विभिन्नता, हर जगह कोई ना कोई स्पेशलिटी अपनी है सबकी। अब हर शहर की कोई ना कोई चीज़ मशहूर है, कहीं नदी है, कहीं समुंदर है, कहीं कुछ नहीं है, सबका अपना अपना है, कहीं झीलें बहुत हैं, ठीक है। गुरु को भी नॉवल्टी पसंद है, वो भी किसी को किसी जैसा तैयार नहीं करता है। हर एक बच्चे के अंदर अपने गुण होते हैं। अभी जितने लोग आते हैं हर एक के पास अपनी क्वालिटीज़ हैं। यहाँ भी तुम देखो जितने बच्चे हैं सबके पास अपना अपना गुण है। कोई भजन गाने में होशियार है, कोई सत्संग बताता है बहुत अच्छा, कोई सेवा में बहुत होशियार है, कोई कैसे कोई कैसे, सारे अपनी तरह के हैं ना, कोई किसी की तरह का होता ही नहीं है। हर एक अपनी तरह का है, और हर एक अपने तरीके से बहुत खुश भी है, सब अपने मस्ती में। ज्ञान बेसिक सबके जीवन में, लेकिन प्रकृति अपनी अपनी। इवन ज्ञान के अभ्यास में भी देखो, किसी को भजन ज़्यादा पसंद होते हैं, किसी को वाणी ज़्यादा पसंद आती है, किसी को लिखने पढ़ने का शौक होता है, किसी को केवल पढ़ने का शौक होता है, किसी को कार्य का शौक होता है, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरु का काम होता है सबको हेल्प करना, जैसा भी कोई है वहीं से हेल्प करना है, जहाँ आप हो आपको वहीं से ग्रो करना है। अगर आप किसी को देखने की कोशिश करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। कभी भी दूसरे को देख के अपने आप को उलझाओ नहीं, सीखो सबसे। गुण ग्राहक दृष्टि ज़रूर रखो, लेकिन उलझना किसी बात से भी नहीं है। अभी समझो किसी की प्रकृति है जो फ्री हो सकता है, उसको हम फ्री होने की युक्ति भी देते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है जिसके घर की परिस्थितियां अपनी तरह की हैं, उसको हम सेवा की बात भी बताते हैं। अभी कोई आता है उसके घर में सेवा की ज़रूरत है, अब हम उसको कहें नहीं ज्ञान नहीं, ज्ञान क्या करेगा, उसका ज्ञान वही है कि अगर उसके घर में सेवा की ज़रूरत है वो सेवा करेगा बैठ के, उसका ज्ञान उस समय वही है। अगला बोलता है सत्संग, हम जाते हैं कभी किसी के यहाँ दुख सुख में तो बोलते हैं सत्संग नहीं आ पा रहे हैं, हम बोलते हैं सत्संग है ना आपका, आपकी इस तपस्या पे। देखो कोई भी व्यक्ति तपस्या करता है,
पिक्चरों में दिखाते हैं, तपस्या से प्रसन्न होके भगवान आ जाते हैं, है ना। उस दिन मैंने एक को बोला, मैंने कहा तेरी तपस्या पे प्रसन्न होके तुम तेरे घर आ गए, तूने घर बैठ के तपस्या करी, ज़रूरत थी, तूने तन मन धन से सेवा करी, देख रात के समय हम चले आए तेरे को मिलने, तो तेरी तपस्या से तो भगवान प्रसन्न है, उल्टा तू क्यों टेंशन में है कि तू सत्संग नहीं आ पा रहा है। ऐसी युक्ति भी देनी पड़ती है, प्रसन्न करना पड़ता है अगलों को कि वहीं खुशी से बैठो, अब सत्संग सुना, अब प्रैक्टिकल है, थ्योरी सुन गए थे, अब प्रैक्टिकल का वक्त आ गया, भाई करो। हाँ, कोई व्यक्ति मन से बना बैठा है, कोई परिस्थिति नहीं, आलसी है, होशियारी कर रहा है ज़्यादा, उसको कभी कभी फिर कहते हैं नहीं भाई निकलो, इस आलस को छोड़ो, तमोगुण ज्ञान नहीं है, आ सकते हो तो आ जाओ, जब तक शरीर साथ दे रहा है, परिस्थितियां साली में। अब सबकी दवाई अपनी अपनी, डॉक्टर के पास हर एक की दवाई अपनी अपनी है, एक सी दवाई नहीं दे सकता। आजकल देखो पंडितों ने भी पर्चे छपवा लिए, समान लिखा रहता है, लेकिन जिस चीज़ का हवन तुमने कराना हो टिक लगा के देते हैं, ये तुमने मंगाना है, सारा तुम नहीं मंगा लोगे, वो बताता है कि तुम्हें क्या क्या चीज़ चाहिए, तुम ये चीज़ें मंगवा लेना, ऐसा ही होता है। डॉक्टर के पास नॉलेज बहुत है, लेकिन जो दवाई तुम्हारे लिए ज़रूरी है वही दो तीन लिख देता है, बल्कि ज़्यादा लिखे तो तुम डॉक्टर साहब इतनी सारी दवाइयाँ, वो कहते हैं नहीं नहीं दवाइयाँ तो देखो ये दो तीन ही हैं, और बाकी तो ये ऑइंटमेंट लिखी है, ये मैंने लिखा है, वॉमिटिंग हो जाए तो फिर तसल्ली हो जाती, ज़्यादा दवाई नहीं दे रहा, है ना। सबको अपना अपना डोज, केमिस्ट के यहाँ दुकान भरी पड़ी है दवाइयों की, सारी थोड़ी खा जाओगे। तो सत्संग भी जब सुनते हो ना, तुम्हारे लिए जो डोज है, इसीलिए सतगुरु की बात आ जाती है कि गुरु से बात करके चलो, कि गुरु तुम्हारा डोज देगा, तुम्हें तुम्हारी स्थितियों को एवेल्युएट करते हुए तुम्हें तुम्हारा डोज देगा। अब क्या तुमने हमसे कभी सुना कि तुम्हारे नेचर में ये प्रॉब्लम है, कभी हमने कहा तुम्हें? फिर तुम्हें शांति होनी चाहिए ना, ये तुम्हें इर्द गिर्द कोई ना कोई कह देता है, कभी कभी जहाँ सुनते हो वो लोग इंजेक्शन ठोक देते हैं, ज्ञान सबके पास फालतू है। हमने कहा खाली प्रेम का संदेश देना, लेकिन सब गुरु बन जाते हैं फटाफट, अब तुम्हें कोई ना कोई मिल जाता है टोकने ठोकने वाला, फालतू में बोलते हैं, बात कुछ है ही नहीं, जबकि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो कह देंगे तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, हमें देखा है हम खुश रहते हैं, हमें देखा हम खिले रहते हैं। अब खिलने में एक लिमिट है ना सबकी, कोई कोई गुलाब इतना सारा खिलता है, डेफोडिल बहुत सारा खिलता है, लेकिन सारे उतने नहीं खिलेंगे, सदाबहार का फूल इतना खिलने लगा तो ख़त्म हो जाएगा, चार तो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको, वो भी खिलाने की कोशिश की, फूल बचेगा ही नहीं, तो अपनी अपना हिसाब है भाई सबका, काहे परेशान होते हो, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, भगवान ने तुम्हें पसंद कर लिया ना, भगवान ने शिव भगवान ने गले में धारण किया सर्प को, उन्होंने उसके आगे भी शर्त नहीं रखी कि जहर की थैली थूक के आ मैं तब तेरे को गले में लटकाऊंगा, रखी है शर्त, मतलब जो जैसा है स्वीकार है, खाली ऐसा नहीं कि तुम जो ले जाओ वो भगवान स्वीकार करता है, भगवान भी तुम जैसे हो तुम्हें ऐसा स्वीकार करता है, पदार्थों को तो देखता ही नहीं, तुम सोचते हो मैं जो ले जाता हूँ भगवान स्वीकार कर लेता है, उससे ऊपर हम जैसे भी जाते हैं हम स्वीकार कर लिए जाते हैं, हम जैसे भी हैं, भगवान ने नहीं देखा गोपियाँ और उद्धव, एक तो ज्ञानी बुद्धिमान सियाणा समझदार और ये देहात की ग्वालने आ गई, बल्कि उनको ज़्यादा ही प्यार किया, उनको ज़्यादा हेल्प चाहिए थी ना, भाई बुद्धि नहीं है बेचारियों को, उनको ज़्यादा हेल्प चाहिए थी, भगवान ने उनको ज़्यादा ही प्यार किया, समझा दिया ज्ञान का तत्व उसी में समझा दिया, भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज नहीं पाया, अगर कोई चतुराई अपनाओगे ना भगवान से दूर हो जाओगे।
हमने इतना अनुभव किया था गुरु के पास रहते हुए, जिन्होंने ज्ञान की चतुराई भी दिखाई ना, भगवान ने उधर से अपनी आँख ही हटा ली। बोला ये तो ऑलरेडी ज़्यादा चतुर हैं, मुझे ही पागल बनाएंगे, छोड़ो इनको, देखते तक नहीं थे। तो चतुराई तो यहाँ कोई भी नहीं चाहिए, यहाँ तो सरल व्यक्ति का सदा स्वागत है। हम अपना सरलता से आएँ, प्यार से आएँ, खुशी से आएँ, अपना ले जाएँ। और क्या तुम्हें अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है? इतना समय से कैसे बैठे हो? तुम्हें अपनी तसल्ली है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें शांति दे रहा है, तुम्हारी परिस्थितियों में तुम्हारा ज्ञान तुम्हें काम आ रहा है। नहीं तो सोच के देखो, जिन हालात से तुम निकल रहे हो, क्या ये परिस्थितियाँ सहन करना एक साधारण व्यक्ति के वश की बात है? है वश की बात? उसी परिस्थितियों में तुम ज्ञान अनुभव कर रहे हो, उन्हीं परिस्थितियों में तुम भक्ति कर रहे हो, उन्हीं परिस्थितियों में तुम भगवान के कार्य के लिए वक्त निकाल रहे हो, उन्हीं परिस्थितियों में तुम्हारा मन शांत है। क्या ये छोटी बात है? तो ट्रैक तो ठीक है, इसका मतलब तुम्हें क्या करना है इतनी सब बातों में पढ़ करके? कोई बात नहीं, जैसा भी नेचर है। स्कूल में नहीं होता था, कोई बच्चे पसंद करते थे हमेशा ग्रुप में रहना, लंच भी इकट्ठे खाना, शरारतें, और कोई कोई बच्चा अपना कोने में पढ़ लिया, लंच भी अकेले खा लिया, ठीक है, क्या हुआ फिर? जो जैसा है। और अभी तो इतनी संकीर्णता है भी नहीं कि तुम्हें अकेले खाना पसंद है, अकेले रहना पसंद है। ठीक है, थोड़ा कम बोलने का स्वभाव है, और अच्छा ही है। जो ज़्यादा बोलते हैं सारा दिन उनको समझाना पड़ता है, अच्छी बात है, थोड़ा काम कम है हमारा। तुम क्यों बढ़ाना चाहते हो कि पहले तुम बोलो बहुत सारा, फिर हम तुम्हें चुप कराने में मेहनत करें? अच्छा है, एक गुण लेके ही आए हो, दिक्कत क्या है उसमें? रोज़ तो कहते हैं स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप के मुंह में जाती है, मुंह टाइट बंद कर लेती है, अंदर मोती बन जाता है। तुम्हारे अंदर भी मोती बन रहा, अच्छी बात है। साथ ज़्यादा नहीं ले पाते हो, बैठ ज़्यादा नहीं पाते हो, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, लेकिन कम से कम तुम्हारा ये नेचर तुम्हें मदद तो कर रहा है। अब घर में तुम्हारा ज़्यादा बोलने का स्वभाव हो, टिकना कितना मुश्किल हो जाए, अच्छी बात है, तुम्हारे नेचर ने तुम्हें घर में सेट किया हुआ है। तुम्हारी नेचर की वजह से तुम जो ले जाते हो बिखरता नहीं है, तुम्हारे डेप्थ में जाता है, मोती बनता है, अनुभव में उतरता है, फ़ायदा भी तो हो रहा है। और ऐसा कभी मत सोचना कि भगवान को ये पसंद है और ये नहीं पसंद है। भगवान को तो सभी पसंद हैं, हलवाई को तो चूल्हा काला भी पसंद है, नहीं है? हलवाई के यहाँ चूल्हा काला है ना, लेकिन उसको काला चूल्हा भी पसंद है। तुम्हें अपनी रसोई में क्या तवा पसंद नहीं? सारे बर्तन चकचकाते चमचम करते हैं, तवा एकदम काला है और पसंद है। और तवा सफ़ेद दिख जाए ना, राख आ जाए ऊपर, पहले उठा के धोते हो, उसकी कालख निखरनी चाहिए। डोसा वोसा कुछ बनाओ तो पहले उसको प्याज से साफ करते हो, कभी ईंट से बैठ के रगड़ते हो कि उसकी कालख दमकनी चाहिए। और जिस दिन उसकी कालख कम हो जाए तवा नया ले आते हो, उसकी अपनी वैल्यू है। यहाँ पर भी सबकी अपनी वैल्यू है, एक भी वैल्यूलेस नहीं है, सबकी अपनी वैल्यू है। हर एक का अपना भाव, हर एक का अपना तरीका, हर एक की अपनी बात, सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं और सब अपनी जगह गुणवान हैं। कभी अपने को कम मत कहो, तुम भी भगवान के ही बच्चे हो और भगवान को उतने ही प्यारे हो। क्या भगवान ने तुम्हें अपने मुख से जन्म नहीं दिया? फिर क्या भगवान का तुमसे प्रेम नहीं होगा? ऐसे क्यों सोचना? सब गुरुमुख है ना, सबका बराबर प्यार है, और भगवान का भी हम सबसे बराबर प्यार है। अगर उनकी मेहर नज़र नहीं होती, उनकी कृपा दृष्टि नहीं होती, हम सब इतने लंबे समय से यहाँ बैठे कैसे? उनकी कृपा प्रसादी तो है नहीं, मन का तो ठिकाना कुछ नहीं, पता नहीं कब का उठा ले जाता, उड़ा ले जाता यहाँ से। लेकिन कितना शुक्र है
उनकी दृष्टि है, उनकी कृपा है, और उनकी कृपा के कारण हम सब उनकी शरण में बैठे हैं। थैंकफुल होकर के रहें, शुक्राना माने, खुश रहें। मेन बात है ज्ञान से तुम्हें आनंद होना चाहिए। तुम बाहर से क्या करो क्या नहीं करो ये सच में हमारा मैटर नहीं है। बात ये है कि तुमने ज्ञान सुना, क्या तुम आनंद में हो? तुमने ज्ञान सुना, क्या तुम खुश हो? तुमने ज्ञान सुना, क्या तुम सेटिस्फाइड हो? तुम अपने में मगन हो जाओ, बस इस चीज़ की ज़रूरत है। तुम्हारे पास कोई हलचल ना हो, तुम्हारे अंदर मन का कोई शोर ना हो, तुम्हारे अंदर कोई आवाज़ ना हो, बस इतनी आवश्यकता है, बाकी कोई परेशानी नहीं। सत्संग सबके लिए एक सा है। अब हर एक अपने जीवन में उतार रहा है उसको, हर एक अपनी परिस्थितियों में उतार रहा है उसको। कभी हमें चटनी में पानी मिलाना है तो थोड़ा ही मिलाएंगे, और कभी हमें चटनी वाला बर्तन धोना है तो खुला पानी भी लेंगे। समय की बात हो जाती है, हमें क्या ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग कोई बात नहीं। अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट करने की जो नेचर है ये भी आपको बहुत डिप्रेस करेगी। ओवर एस्टिमेट करना भी गलत है, लेकिन अंडर एस्टिमेट करना भी गलत है। ब्लड प्रेशर हाई वो भी नुकसान ही करता है, लो भी नुकसान वाला है, बल्कि आजकल डॉक्टर्स कहते हैं लो ज़्यादा खतरनाक है, पता ही नहीं चलता, हार्ट अटैक हो जाता है। लो शुगर ज़्यादा नुकसान वाली है। तो अंडर एस्टिमेट करना अपने आप को ये चीज़ गलत है। अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। बी नॉर्मल एंड नेचुरल। आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का प्रेमी हूँ, मैं भगवान का प्यारा हूँ। हमेशा खुश होके रहो, रिलैक्सेशन में रहो। कभी अपने आप को मन की बातों से ना तंग मत करो, ये मन की बातें हैं। अभी भगवान ने कितना अच्छा तो बताया, ये मन बीच बीच में आ जाता है, लेकिन वो सावधान होने का समय है। मन से सावधान रहो कि मन मेरे को अपनी माया में घसीट के ना ले जाए, मन मेरे को उलझाए नहीं। है तो बातें मन की सारी, और तो कुछ है नहीं। मन की बात को परे कर दो, तुम अभी भी खुश हो, अभी भी आनंद में हो, अभी भी मौज में हो, अभी भी भगवान के भाणे को स्वीकार करके खुश रहो। दिक्कत क्या है? सब कुछ बहुत अच्छा है, सिर्फ अपने मन को बनाना हमको आना चाहिए, ट्यून करना आना चाहिए। बस अभी दिखा दिया मन ने, ये किसी की बात चली गई अंदर, परेशान हो गए, शायद मेरा नेचर खराब है। खराब क्यों है? तुम्हारा नेचर भी बहुत अच्छा है, तुम भी बहुत अच्छे हो। फूलों का हार हमेशा होता है, उस दिन मैंने देखा कहीं कलियों का हार था, वो और सुंदर लग रहा था। हर चीज़ की अपनी शोभा है। प्रकृति में कोई चीज़ है जो शोभायमान नहीं है? जब हर चीज़ में नूर भगवान का है, हर चीज़ शोभायमान है। लोग ड्राई फ्रूट की माला भी बनाते हैं, इलायची की माला भी बनाते हैं, अंजीर तो मिलता ही ऐसे है, माला बनी रहती है अंजीर की, वो भी सुंदर लगता है देखने में, टंगा रहता है दुकान के बाहर, बड़ा प्यारा लगता है, अंजीर का हार टंगा हुआ है, वो अपने आप में खूबसूरत है। कुछ बुरा है क्या? कुछ भी बुरा नहीं है। ईश्वर की कोई कृति बुरी नहीं है, और तुम तो भगवान की सर्वोत्तम रचना हो। मनुष्य क्या है? परमात्मा की सर्वोत्तम रचना, सबसे उत्तम रचना है। गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस एंड ओन रिफ्लेक्शन। भगवान ने तुम्हें कैसा बनाया? हूबहू अपने जैसा। तुम कहीं से कम नहीं हो,
जब भगवान को अवतार लेना होता है किस रूप में आते हैं? मनुष्य रूप में आते हैं, यही चोला धारण करके आते हैं। कितनी कृपा करी उसने, हमको वही चोला दिया और हम इस चोले को ले जा रहे हैं। हम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, हमें तो फक्र होना चाहिए भगवान इतनी कृपा करी। हरि प्यारे करुणा क्यों करी? ऐसी करुणा कुत्ता बिल्ला बना देता, कुछ और बना देता, हूबहू अपने जैसा। जब उसको आना होता है, दुनिया को अपनी पहचान देनी होती है, यही चोला धारण करता है, वही चोला उसने मुझे दे दिया। अभी हम तुम्हें अपनी कोई ड्रेस देंगे तो कितने खुश हो जाओगे। समझो हम बोलें हमको ये कुर्ता अब और नहीं पहनना, तो क्या तुम पहनोगे? हम तुम्हें दें, ठीक करवा के पहनोगे? पागल हो जाओगे खुशी से। आपने अपनी चीज़ दी मुझे, आपने अपनी हैंकी दे दें, एक पेन दे दें, एक पागल हो जाओगे, डायरी दे दें एक, आपने अपनी चीज़ मुझे दी। अरे तू उससे पहले भगवान ने तुझे ऐसा अपने जैसा चोला दिया है। या समझो हम अपनी कोई चीज़ खरीदने जाएं, शॉल लेने जाएं, तुम्हारी भी शॉल ले आए, अरे मुझे पसंद आई, देख मैंने भी ऐसी ली, तेरी भी, कहाँ खुश हो जाओगे? अपनी जैसी चीज़ लाई आपने, मेरे लिए सेम ले आए आप, मेरे लिए भी, क्या खुश हो जाओगे? वैल्यू करो। भगवान ने सेम अपने जैसा इतना सुंदर चोला तुम्हें दिया, अपने जैसा बनाया। फिर गुरु की प्रीत देखो, वो तुम्हें अपने जैसा बनाने में लगा है, मेहनत कर रहा है, तुम्हारे भीतर से अपने को प्रकट करना चाह रहा है। ऐसी कृपाएं जिस पर हो रही हों, वो कभी मायूस होके बैठे, उदास होके बैठे, क्या ये अच्छी बात है? कभी किसी बात पे दिल छोटी नहीं करनी, हमेशा खुश रहो, तुम अपने आप में बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो। रोज़ तो कहते हैं अपने मन को विचार दो, तेरे जैसा ना हुआ ना होगा, ना हुआ ना होगा। तुम अपने आप में यूनिक हो, तुम अपने आप में भगवान की रचना हो, बहुत प्यारे बच्चे हो भगवान के। रोज़ अपने को खूब सारा प्यार करो, रोज़ अपने को बहुत शाबाशी दो, भगवान की कद्र करो। ये वीक होना, परेशान होना, दूसरों को देख के डिप्रेस होना, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। हमेशा अपने मन को अच्छे विचारों में रखो, पॉजिटिव। अब अगर हमारा अपने लिए ही पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो भला दुनिया हमारे लिए क्या रखेगी? भाई जो आदमी अपने आप को नेगेटिव करके चलता है, चार दिन तो हर कोई उसको समझाता है, पांचवें दिन से लगता है छोड़ो इसको, यही बातें ही करेगा, ये पागल भी कह देते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो नेगेटिव एटीट्यूड नहीं, पॉजिटिव चीयरफुल एटीट्यूड रखो अपने लिए, अपने प्रति भी एक सोच अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अपने लिए नकारात्मक सोच लेके चलें। क्यों लेके चलें नकारात्मक सोच? देखो ज्ञानी के विचार ज्ञानी की वाणी, यही तो उसकी पहचान है। उसका जो सबके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, यही तो उसके भगवान होने की पहचान होती है। और एक जो उसकी वाणी का मिठास होता है, प्रिय लगने वाली वाणी, मीठी लगने वाली वाणी, दिल को छूने वाली वाणी, यही तो पहचान है। अब तुम्हारी वाणी में जो ये नेगेटिविटी रहती है, ये अज्ञान की पहचान है, इसको मत लाओ। मीठा मीठा बोलो, अच्छा अच्छा सोचो, अपने आप को खुश रखना तुम्हारे हाथ में। तुम अपनी परिस्थितियों के प्रति भी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलो, नेगेटिव एटीट्यूड मत लेके चलो, बी पॉजिटिव इन लाइफ। कभी कभी कोई कह भी देता है, देखो शरीर में भी कभी कोई हरकत होती है, कोई विकलांग होता है, पहले उनको विकलांग लिखते थे, आजकल दिव्यांग लिखते हैं,
है ना, पहले उनको डिसेबल्ड लिखते थे, आजकल डिफरेंटली एबल्ड लिखते हैं, क्योंकि एक शब्द भी प्रभाव डालता है ना, सोच भी प्रभाव डालती है, शब्द भी प्रभाव डालता है, तो ज़रूर अच्छा नज़रिया होना चाहिए, अपने लिए भी अच्छा नज़रिया होना चाहिए। दुनिया क्या देखती है, जो हम दिखाते हैं। मान लो कोई आपको कहता है, अरे तुम तो हंसते नहीं हो, बोलते नहीं हो, ऐसा नहीं हो, कोई कह भी देता है ऐसा, तो तुम्हारा अपना नज़रिया होना चाहिए। बोलो ऐसा कुछ नहीं है, हंसने वाली बात पे हंसते भी हैं, हाँ लेकिन थोड़ा हमें चंचलता पसंद नहीं है, गंभीरता अच्छी लगती। कह सकते हो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वृत्ति बिखरती है, मैं इसलिए थोड़ा संभल के रहता हूँ। जो दिखाओगे वही तो कोई देखेगा, पर किसी ने कुछ कहा, तुम बैठ गए वीक हो के और लगे सोचने, कभी ये सोचो कि हमेशा तुम ही गलत हो, जो आता जाता तुम्हें एक लगाता जाए, ऐसी क्या बात है, तुम ठीक भी हो सकते हो। जरा अपने प्रति नज़रिया अच्छा करो पहले, ये सबसे गलत बात है, जो आप अपने लिए हमेशा नेगेटिव अप्रोच लेके चलते हो और एक्सपेक्ट करते हो दूसरे लोग मेरा रिजल्ट आउट करें। जब पेपर भी लिखते थे पहले खुद दोबारा से रिवाइज कर लेते थे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, मेरी तरफ से ठीक हो गया, फिर देते थे टीचर के हाथ में, अब तू चेक कर, जीवन का पर्चा तो तुमने ऐसे बांट रखा है, तू चेक कर दे, तू चेक कर दे, तू चेक कर दे, वो सारी जीरो नंबर दे के चले जाते हैं तुम्हें, फिर रोने बैठ जाते हैं। क्या कभी तुमने अपना, और अगर टीचर नंबर काटता था ना तुम्हारा तो पता नहीं, मेरी तो आदत थी जब टीचर पेपर दिखाता था ना कॉपी साथ खोलनी है और देखना इसने आधा नंबर भी क्यों काटा है यहाँ पर, उसको सेम टू सेम ले जाके टीचर की टेबल पे रख देना, मैम देखो ये आंसर आपने लिखवाया था, वर्ड बाय वर्ड सेम है, नंबर काटा तो क्यों, ऐसे ही मान लें कि हाँ मेरा नंबर कट गया, कोई बात नहीं, मान लें हम गलत हैं, क्यों मान लें, हम अपनी चेकिंग भी तो रीचेकिंग करो ना। टीचर रह चुकी हो तुम्हें पता है, पेपर दिखाते थे तुम बच्चों को, चेक करने के बाद बच्चों को पेपर दिखा देते हैं, क्लास में एक पीरियड पूरा लगता है, सब बच्चे अपना अपना पेपर देख लो, टोटल चेक कर लो, कोई कमी पेशी रह गई हो बता दो, फिर रिपोर्ट कार्ड्स बनती थी, है ना। तुम्हारे डायरेक्ट रिपोर्ट कार्ड लोग क्यों बना के चले जाते हैं, पहले अपना पेपर खुद चेक करो, फिर सामने वाला चेक कर दे, एक बार रीचेक करो, फिर सोचो अज्ञान है या नहीं है। गोपियां अगर होती ना तुम्हारी जैसी, उधो तो डिप्रेशन में डाल के अपने घर जा बैठता, वो तो बन जाता ज्ञानी, वो सारा गोकुल गांव डिप्रेशन का मरीज होता, क्योंकि उसने इतनी बढ़िया बढ़िया तरीके से अपना बखान दिया ज्ञान, वो बेचारी तो डिप्रेस ही हो जाती, भगवान के निराकार रूप को नहीं जानती हो, क्या कृष्ण कृष्ण कर रही हो, भगवान कोई शरीर थोड़े ही है, ज्ञान तो काफ़ी दमकदार था उसका। लेकिन गोपियों ने जरा रीवैल्यूएट किया अपनी भक्ति को, भैया भाई बोले तो जा रहा है, ऐसे क्यों मान लें, उन्होंने ज़रा अपने अंदर विचार किया और उसके बाद सीधी हो गई, बिल्कुल बोले इधर हम बताते हैं आप ज्ञान, सारा ज्ञान समझा दिया उसको, जो ज्ञान उधो भी अनुभव नहीं कर पाया था, सिर्फ बोलने के शब्द थे द्वैत अद्वैत उसके पास, और जो द्वैत में अद्वैत गोपियों का सिद्ध था, बहुत फर्क था वो, और हकीकत अनुभव वही था। उधो के पास शाब्दिक नहीं होता तो वो भगवान से प्रार्थना ना करता, मेरे को अगले जन्म में ये गोपियों के गांव का छोटा सा पौधा बनाना, कि इनके पैर की धूल उड़े और मेरे मस्तक पे लगे, मेरे को कुछ अक्ल आ जाए। सोचो बैठी क्या वो कमज़ोर होके, जब वो गांव की ग्वालने हैं उनको भी इतनी समझ है, अपनी भक्ति पे लांछन नहीं लगने देना, तुम्हें नहीं है इतनी समझ, उन्होंने नहीं कलंकित होने दी अपनी भक्ति, उसने तो बहुत कमियाँ निकाली,
ये तो थोड़े थोड़े डायलॉग दिखाते हैं तुम्हें, इनका था तो लंबा चौड़ा बहुत डायलॉग बाजी हुई थी, बहुत बहुत सारा बोला था उद्धव ने, हर पहलू से कमज़ोर बनाया उनको, उनको पूरा बोल दिया कि तुम लोग गलत चल रही हो, तुम्हारा भक्ति सही नहीं है, तुम्हारा वे ठीक नहीं है, तुमने कृष्ण को जाना ही नहीं है, क्या नहीं बोला उसने, दुनिया भर की बातें बोल दी। पर वो बैठ गई विचार ने, बोला पहले हमको सोचने समझने दे, फिर उसको समझाया, उसको कहती हैं सुनो योगी इस तौर द्वैत में अद्वैत रहते हैं, वो द्वैत द्वैत कर रहा है, द्वैत है तुम्हें भगवान से, द्वैत है तुम्हें, बार बार भगवान के प्रेम की बात करती हो, कृष्ण को पुकारती हो, ज्ञान समझो। और गोपियों ने उसको समझा दिया जिस ज्ञान में प्रियतम की बात ना हो वो ज्ञान थोथा होता, जिस वाणी में, अभी तुम लोग भी सत्संग करते हो, अगर किसी की वाणी में गुरु की चर्चा नहीं है, उसके प्यारे की चर्चा नहीं है, उसके प्रियतम की बातें नहीं है, उसकी वाणी समय की बर्बादी है, थोथा ज्ञान समय की बर्बादी है। उन्होंने उसको एहसास करा दिया कि कृष्ण चर्चा के बिना तेरा ये ज्ञान निरर्थक है, प्यारे की चर्चा के बिना ज्ञान को आधार क्या, आज पूरे ज्ञान को आधार किसका है, प्यारे की चर्चा के बिना पूरा ही नहीं होता, कैसे पूरा होए, सुन रहे हो भगवान की वाणी रोज, अब तो लाइव देख रहे हो, क्या प्यारी बात शुरू ही होते हैं गीता भगवान से, ये क्राइस्ट वाला जो शुरू हुआ गीता भगवान की बात से शुरू हुआ था, पहली बात ही उन्होंने बोला मेरे को गीता भगवान का ध्यान आ गया, शुरू ही यहीं से किया था, हम सारे उनके वेलकम में प्रोग्राम कर रहे हैं और उनकी तार गीता भगवान से जुड़ी हुई है। तुम ज्ञानी को देखो, समझो, भगवान कृष्ण ने कटाक्ष नहीं किया गोपियों को, उद्धव जी पहुंच गए और समझे नहीं इशारा, ये भगवान के वश में क्या नहीं है, मेरे को काहे भेजे जा रहे हैं कि जाओ तुम समझाया हो, क्योंकि पॉइंट इसी ने उठाया था कि वो ऐसे ही रो रही हैं, दुखी हैं, आप भी याद करते हो, उनको ज्ञान क्यों नहीं समझाते हो। बोला उद्धव जी मेरी कहाँ सुनेंगी, आप ही जाओ, वो समझ ही नहीं पाया ज्ञान का नशा, और ज्ञान का नशा माना अहंकार, वो अपने अहंकार में चूर होके चल दिया कि भगवान को भी सही दिशा मैंने अब दी है, अब इनको समझ आया गोपियों को ज्ञान समझाना चाहिए, और गोपियों को तो मैं समझा के आ जाऊंगा। अहंकार, अहंकार ने भगवान को भी ना समझने दिया, गुरु को कौन समझे, जिसके पहले अहंकार की परतें उतरी हुई हों, अहंकारी गुरु को भी ना कैच कर पाए। और गया वहां जाके खुद फंस गया। अब सोचो, ज्ञान इसने बोलना शुरू किया, तर्क वितर्क सहित अनुभव के आगे सारे तर्क फेल हो गए। जरूरी नहीं होता कि कोई व्यक्ति बढ़ चढ़ के ज्ञान का दिखावा नहीं कर रहा तो उसके पास ज्ञान की समझ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। प्रेमी जन प्रेम में भीगे रहते हैं, प्रेमी जन साधारण होके चलते हैं, अंदर है उनके अनुभव लेकिन वो उसको तूल नहीं देते, तूल प्यारे को देते हैं, ये उनकी सोच है, ये उनका रवैया है, ये उनका तरीका है, वो अपने तरीके से चलते हैं। और ज्ञानी जन सोचते हैं शायद इनके पास समझ का अभाव है, ऐसा नहीं, बाहर तुम देखोगे ज्ञानी को बहुत साधारण, प्रेम से लबालब, एवर स्माइलिंग, एवर इन मूड, एवर हैप्पी, ज्ञान की समझ भीतर है काफ़ी, समुंदर ने कोई सारे हीरे मोती बार लहरों में उछाल रखे हैं, किनारे पे तो सीपें पड़ी रहती हैं,
उसने मौज क्या दिखाई है, लहरों की मौज दिखा रहा है, जल की मौज दिखा रहा है, हीरे मोती अंदर गहराई में पड़े, कोई आएगा गोता लगाएगा ले जाएगा। प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं भगवान के, पड़े हैं हीरे मोती, जिसको चाहिए समय पर वो भी मिलेगा। बाकी ज्ञानी का जीवन क्या दिखाता है, प्रेम दिखाता है, भक्ति दिखाता है, उसी में मगन रहता है। तो तुम्हें ये उलझन नहीं होनी चाहिए कि कोई मेरे लिए क्या कह रहा है, और क्या हम सबकी उम्मीदों पे खरे उतर सकते हैं। एक सतगुरु हैं जिनकी उम्मीद पर खरे उतरना है, क्योंकि उनकी कसौटी पार करना ज़रूरी होता है, बाकी किसी की कसौटी पार करने की ज़रूरत नहीं। हर कोई अपने तरीके से बात करेगा, अपने तरीके से इवैल्यूएट करेगा, उसका कोई यूज़ नहीं। सिर्फ एक सतगुरु की कसौटी पार करो तरीके से। सतगुरु क्या चाहते हैं, वो तुम्हें कैसा देखना चाहते हैं, वो तुम्हें कैसा बनाना चाहते हैं, वहाँ ध्यान दो। क्योंकि सतगुरु मना ही निराकार जो साकार होके आया, और वो हमारे भावों को बखूबी समझता है, हमारे भीतर तक के जो भाव हैं। यहाँ तक बोला गया, जो तेरे घट भाव हैं कह कह के ना सुनाओ, अंतर्यामी जानते अंतर्घट के भाव। वो अंतर्यामी परमात्मा जानता है अंतर्घट के भावों को, अजनभाव के बिना तो कोई जान ही नहीं सकता, कौन जानेगा। अब जिसको खुद को प्रेम लगा नहीं, तुम उसको कहो प्यारे के प्रेम में दर्द है, वो हंसेगा। उद्धव जी कहते हैं ये संयोग वियोग का रोना रोती हो, वो कहती हैं तू योग की बात करता है, हमारे शरीर में योग की कोई जगह ही नहीं बची, रोम रोम में तो कृष्ण है, और तू वियोग की बात करता है। वियोग नहीं है, वो विशेष योग है, क्योंकि पास होते थे हम मिल जाते थे, फिर हम थोड़ा घर में लग जाते थे काम धंधे में, अब तो भैया दिन रात उससे ध्यान ही नहीं हटता, उसने तो विशेष योग दे दिया हमको। अब बात सोचो, तो प्रेमी घायल की गत घायल जाने और ना जाने कोई। हम शुरू शुरू में जब आए मार्ग पर भगवान ही प्यारे लगे थे, अब उम्र भी छोटी थी, बहुत अपने को संभालना भी नहीं आता था, कहीं भी रोना आ जाए, आना हो वहाँ से तो हालत ख़राब, यहाँ से चिट्ठियाँ लिखें तो ऐसी, तो कई लोग मजाक भी उड़ाते थे। भगवान ने एक दिन किसी से बात की, बोला उसका दर्द मेरे को समझ में आता है, क्योंकि हमने भुगता है। गीता भगवान बॉम्बे थे, हम यहाँ थे, जब भगवान यहाँ से बॉम्बे चले गए थे ना, जो परेशानी हमने सही, हमको समझ में आती है बात। फिर लेटर आया उस व्यक्ति का जिससे भगवान ने बात की, बोला घायल की गत घायल जाने, आज हमने भी देखा और तुम्हारी स्थिति को हम भी अनुभव कर सकते हैं। अब आज भगवान ने नज़रिया दिया, हमको भी समझ आया सच में तुम्हारे साथ क्या बीतती होगी, हम तो साथ बैठे हैं पूरा दिन साथ रहते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं तुम्हें। अब प्रेमी को कोई प्रेमी समझ पाएगा और कोई नहीं। अब कल भी मैंने बोला ना भाई, आँखों से देख के प्रेम तो उतर आता है, लेकिन जब परवाने हो के प्यारे को भीतर बिठाना हो तो दर्द के सिवाय हाथ कुछ नहीं आता। अब लोग बोलेंगे दर्द थोड़ी आनंद होता है, अब हम नहीं समझा सकते, कौन समझाए, ये तो अनुभव की बात है, पीड़ा भी तो मिलती है दर्द भी तो मिलता है, अगर प्यारे को टिकाना चाहो तो, क्योंकि परम प्यारे दा मुखड़ा बहुत नाजुक, टिकता ही तो नहीं, उसको बीमारी है ये टिकता नहीं, कहीं हलचल बहुत है, जितनी हलचल प्रियतम के अंदर है इतनी हलचल दुनिया में किसी में नहीं। टिकाना चाहते हैं टिकता नहीं, बिठाना चाहते हैं बैठता नहीं, वो है फिर भी मेरे अंग संग, पकड़ना चाहो हाथ नहीं आता। अब ये नहीं समझ आ सकता ना किसी को,
अनुभवी समझ लेगा, वरना समझाना कठिन काम है। वरना नहीं, फिर ज्ञान तो ये कहता है, ज्ञान तो कहता रहे, ज्ञान तुम्हारा जो कहता है, हम क्या करें। लुक लुक रोना, लुक लुक बहना, ए मेरी हालत तो ही, हालत तो ये हो जाती है। और लोगों को समझ नहीं आता, लोकी पूछ दे ने हाल की बना लिया, कमली वाले ने कमली बना लिया। और लोग कहते हैं लो संवारता है भगवान, व्यवहार तो संवार देता है, अंदर की हालत तो बिगाड़ी देता है। अब किसको समझ में आए बात। लोकी पूछ दे ने संत की लग दे तेरे, नहीं मैं कहनी आऊं सब कुछ मेरे, नहीं है जवाब हमारे पास। कौन सा रिश्ता है, रिश्ता नहीं है लेकिन रिश्ता है, कैसे समझाएं, कौन समझाए। क्यों भागते हो, हम लोग तो ये बहुत सुनते थे, तुमको आए चार दिन बाद जाना क्यों होता है। वही वाला सत्संग तो है, कैसेट तुम्हारे पास है, चिट्ठियाँ उनकी आती रहती हैं, फोटो तुम्हारे पास लगा हुआ है, फिर तुम्हें क्यों जाना है। रोज़ यहाँ तीन दिन टाइम सत्संग करते हो, अब कौन समझाए कि इतना सब कुछ होने पर भी पूर्ति नहीं है। बच्चे को माँ दूध की बॉटल भी दे गई, मिठाई भी दे गई, फ्रूट भी दे गई, दादी भी दे गई, खिलौने भी दे गई, फिर भी तो उसको माँ चाहिए, कौन समझे। शुरू में बड़ी कोशिश करते थे समझाएं, सत्संगी भी पूछते थे आप लोग चार दिन बाद उदास क्यों हो जाते हो, हम कहते थे भी थोड़े दिन रुको, तुम भी आ लो थोड़े दिन, फिर जब हम गायब हुआ करेंगे ना फिर पूछेंगे तुमसे, अभी नहीं समझा सकते हम तुम्हें कुछ। तो दिल का हाल कौन समझेगा, दिल वाला कोई जान सकता, वरना तो किसी को भी समझाना मुश्किल, कौन समझेगा। हम क्यों भागते हैं, क्यों जाते हैं, काहे परेशान होते हैं, कोई समझ नहीं सकता इस बातों को। रह के आ जाओ जितना ज़्यादा, फिर आते आते भगवान ही बोलते थे कभी कभी, 3 महीने बाद तो जा रहे हो, अब काहे का रोना है। अब कौन समझाए 3 महीने रह के तो अब और ज़्यादा प्यार हो गया, और अच्छा लग गया, मन एक पल नहीं दूर होना चाहता आप 3 महीने की, और 3 महीने बीतते कैसे हैं यही नहीं पता चलता, रह जाओ बैठो पता ही नहीं चलता था। रोज ऐसे लगता था टिकट की वो नज़दीक ही आती जा रही, जब करा देते थे टिकट उसके बाद तो पता ही नहीं चलता था, दिन बीतते थे मालूम ही नहीं, सुबह से शाम तक बिजी उनके साथ, कहाँ दिन कहाँ रात कुछ भी तो नहीं मालूम। तो चीज़ें ना कुछ अपने अंदर की होती हैं, ना कही जाती हैं ना समझाई जाती हैं। भक्त तो कहता है अपनी हालत खुद ही समझूं, तुमको भी समझा ना सकूं, भगवान मैं तुमको भी नहीं समझा सकता। कुछ प्रेम में अखियां भर आईं, कुछ प्रेम में ऐसा दिल डूबा, अपनी हालत खुद ही समझूं लेकिन तुमको समझा ना सकूं। तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी लगी, पल भर भी तुझे विसरा ना सकूं, मैं नहीं विसरा सकता हूं पल भर भी, मैं चाहूं तो भी नहीं विसरा सकता हूं। मेरा मन मोह लिया श्याम हारा वाले ने, अब मोह लिया, मोहित हो जाता है जब कोई हिप्नोटाइज हो जाता है बेचारा, अपने ही वश में नहीं, अब हम भी वश में नहीं। और जरूरी नहीं कि चुप्पी कोई वैसे होती है, प्रेम में भी चुप्पी आ जाती है कभी कभी, नहीं मन करता किसी से बात करने का, नहीं मन करता किसी से हलचल करने का, ऐसे लगता है अपने में बैठे रहो बस, ये भी अवस्था प्रेम की है, हो जाता है कई बार। ऐसे लगता है ना कोई बोले ना कोई छेड़े ना कोई कुछ पूछे, खाने को भी ना कहे हमको, परे रहे हमसे सब, क्योंकि ऐसा कोई मिलता नहीं जो मेरे दिल की समझे तो मैं हाल बांट लूँ उससे बैठ के। अब गोपियाँ घर से बाहर जाके गोपी गीत गाती हैं, घर में क्यों नहीं गा लिए, घर में कोई था ही नहीं समझने वाला, वो आपस में थीं जिनको सबको वही लगन लगी हुई थी, वो मिलते थे तो फिर हाल चाल जरा बांट लेती थीं। अब प्रेमियों की भाषा भी बड़ी अजीब, कभी उन्होंने महिमा करनी है, कभी उन्होंने ताने मारने,
कभी उन्होंने लड़ाइयाँ करनी हैं। अब लोग तो कहेंगे तुम हिले हो क्या, पागल ही लगेगा ना लोगों को, भई करते तो करते क्या है। कभी तो उसकी इतनी दीवानगी, इतनी बंदगी, इतनी प्रार्थना, इतना वो महान, और कभी ये लोग तूता डाक पे उतर आते हैं, कभी ये लोग ताने तुनके देने पे, अब कौन समझे। इसीलिए वो घर से बाहर आ जाती थी, आपस में बैठ गई सारी, अब जो मर्जी बोलो, जैसी मर्जी बात करो। तो कभी तो हे सखे, हे श्याम सुंदर, क्या क्या, और कभी उसको मैंने बुलायो नहीं आयो कलवा, कभी वो कलवा हो गया बेचारा। अब वो कौन समझे प्रेमियों को, वो वही समझते हैं, बस प्रेमी दिल ही इस प्रेम को समझ सकता है। अब तुम बोलो ये क्या बात हुई, कभी तो तुम इतना उनकी महानता गाते हो, कभी तुम लोग उनको ऐसे लड़ाइयाँ करते हो, फिर कभी ऑर्डर चलाती, नाच के दिखा, ऐसे कर, ये प्रेम की नोक झोंक, प्रेम की लड़ाई, ये बस वो एक कहावत आती है ना, गुड़ जाने गुथली जाने, बात वो है। ये भक्त और भगवान, ये रिश्ता अजब प्रेम का है, ये समझाने की चीज ही नहीं। अब कोई बोले अभी तो मिल के आए हो, फिर क्यों सड़े बैठे हो, अब तुम्हें क्या पता, मिल के तो आग ज़्यादा भड़क गई, नहीं मिले थे फिर भी थोड़ी शांति थी, देखने के बाद परेशानी बढ़ गई, होता है ना, कभी लगता है एक झलक देख लेंगे तो ठीक हो जाएगा, फिर देखने के बाद कभी लगता है देखा क्यों, देख के गड़बड़ कर ली ज़्यादा। कभी गोपियाँ नजरें छिपाती थीं कि हमको देखना ही नहीं है जिस तरफ है, रहने दो, अब उधर से भी चैन नहीं आ रहा, फिर अच्छा एक झलक देख लें आँख टेढ़ी करके, और देखने के बाद तो फिर वश नहीं रहता था। अब किसको क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी जाए, है ही नहीं एक्सप्लेनेशन कोई, हम जाने हमारा भगवान जाने, कहाँ तक बताएं, क्या क्या बताएं, कैसी कैसी बात बताएं। कुछ हृदय के भाव होते हैं, कुछ संजोई हुई कल्पनाएं होती हैं, कुछ प्यारे की तरफ से मिला हुआ इशारा होता है, कुछ उनकी बात होती है, वो सब अंदर। देखो प्रेमी की सृष्टि ना बहुत अलग है, जिसमें सिर्फ उसका भगवान रहता है और वो रहता है, बाकी तो उजड़ गया संसार सारा, इतना रह गया बस। अब वो तभी देखा तुमने भक्त क्या गाते हैं, वे जोगिया मैं तो तेरी जोगण हो गई हूँ, रोगी हो गई हूँ मैं तेरी जोगी हो गई हूँ, तेरे जोगी मन अब मैं दुनिया के लायक बची नहीं, तेरी हो गई हूँ तेरी जोगी तेरी रोगी, जो मर्जी लगाता जा, अब सारे भाव तेरे साथ, मैं क्या करूँ, मेरे वश की बात थोड़ी है। तो ये प्रेम कभी कभी बेबस भी कर देता है, ऐसा नहीं हम दिखाना चाहते हैं, कई बार होता है हम हंसना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मजबूर होते हैं, हम खुद भी उदास होते हैं, अपने में होते हैं, चाह के भी कभी कभी चेष्टा नहीं हो पाती, तो इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है, अंदर अंदर पियो अपना रस, जिस प्रेम में भक्ति में मगन हो उसको पियो, मौज में रहो, मस्ती में रहो, लेट द पीपल से व्हाट दे से, कहने दो, नहीं समझ रहे हमें ना समझें, ज़्यादा में ज़्यादा पागल कह देंगे, कह दें, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे, कहेंगे पागल हो गए, हाँ जी हो गए। हमने शुरू शुरू में लिखा तुलसी माता के पास कि बचपन में छोटेपन में तो आई थे, भगवान ने बोला तुम बॉम्बे लेटर लिखो माता के पास, सबको ही लिखवाते थे, तो लेटर लिखा, सच्ची सच्ची बात लिख दी, हमने कहा हम जाते हैं, हमको अच्छा लगता है लेकिन लोग हमें पागल कहते हैं। उनका लेटर आ गया वहाँ से, बोले पागल, पंजाबी में गल कहते हैं बात को, पागल, जिसने सच को पा लिया दुनिया ने उसको पागल डिक्लेयर कर दिया,
बोला अब दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहती दुनिया है पागल, तुम ही बताओ कौन है पागल। हमारे हिसाब से वो पागल हैं जिनको सच नहीं मिला, उनके हिसाब से हम पागल हैं जिन्होंने पा लिया। चलने दो ये रिश्ता, ये गाड़ी ऐसे ही चलेगी, परवाह नहीं करो। तो ज़्यादा में ज़्यादा पागल कह लेंगे, कह लें, हो सकता है कोई अहंकारी भी कह दे, इनको बड़ा अहंकार है। अब हम लोग भी कभी कभी बैठते थे किसी महफिल में, कोई ज़्यादा ज्ञानी होते थे, कभी कभी वैथरी बातें करते थे, हम पार्टिसिपेट नहीं करते थे, तो कई लोग ऐसा भी बोलते थे शायद इनको अहंकार है। हाँ है, हमको वो भी नहीं एक्सप्लेन करना, पर मेरे भगवान की बात करो, हम तुमसे 100 बार बात करें, तुम उनकी बात करते नहीं हो, तुम इधर की उधर की करे जा रहे हो, तो हम कहाँ तक पार्टिसिपेट करें भाई। बिना मतलब की बातों में हमको पार्टिसिपेट करना ही नहीं। करो मेरे भगवान की बात करो, हम 100 बार करते हैं, 4 घंटे बैठे हैं, उनकी बात करो, उनकी महिमा गाओ, उनकी लीला की बात करो, तुम करो व्यवहार की बातें, संसार की बातें, कि अब सत्संग तो हो गया, चलो व्यवहार की बातें करते हैं। तो हो सकता है कोई तुम्हें उस समय भी ना पहचाने, लेकिन फर्क क्या पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर अपना लड्डू भोर के खाओ, ये जिंदगी बड़ी थोड़ी सी है, दिन ही कम लगता है, इतना भगवान का प्रेम आता है अंदर में, दिन ही थोड़ा लगता है, ऐसे लगता है दिन खत्म क्यों होता जा रहा है, रुक जाए समय यहीं पर। जब प्रियतम पास होवे तो लगता है ना घड़ी रुक जाए, जरूर लगता है। भक्त कहता है बादलों से इतना भी ना बरसो कि वो आ ना पाए, आने के बाद इतना बरस जा ही ना पाए, यह है मजा भक्ति का, प्रेम का, कि पहले तो इतना ना बरस कि वो आ ना पाए। भाई ज़्यादा बारिश में आएगा ही नहीं, घर से नहीं निकलेगा, नाजुक को ऐसे ज़्यादा है, आएगा नहीं घर से, कहेगा मौसम खराब था, छींक आ गई थी, हम नहीं आ पाए, आएगा नहीं मेरे से मिलने, इतना ना बरस प्रार्थना है। लेकिन एक बार आ जाए, इतना बरस अब जाने का नाम ना ले पाए, लगता है ना घड़ियाँ रुक जाएं, सुहानी घड़ियाँ आती हैं जीवन में, लगता है रुक जाएं। हर समय बाहरी संग नहीं होता, लेकिन भीतर भी जब मिलाप पूरा होता है, संयोग हो रहा होता है, नहीं मन करता बैरमुख होने का, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, नहीं मन करता बैरमुख होने का, नहीं मन करता वहाँ से वृत्ति हटाने का, नहीं मन करता अपने प्यारे से दूर जाने का, तो क्या हुआ, मगन रहो। जब मुझे काम ही उसी से है तो फिर मुझे परेशानी क्या है, क्यों अपने आप को उल्टे सीधे विचार देते हो। अच्छी बात सोचो, अच्छे विचार करो, समझो बात को। साहेब घट माही मिलता है ना आके, ये उसकी कृपा है, मेरे घट में आ जाता है, मेरे भीतर बैठ के मेरे से बातें करता है, मेरे अंदर अपनी प्यार भक्ति बढ़ा देता है, तो मैं साहेब पर वारी ना जाऊं। भाई जब तक पति बाहर होता है, स्त्री बालकनी में खड़ी है, आ गया फिर तो खिड़कियां दरवाजे बंद, अंदर हैं वो, अब उसको खिलाएगी पिलाएगी, उससे हंसेगी, उससे बातें करेगी, सब करेगी। अब उससे मेरा भी प्यारा जब अंदर आ जाता है, वृत्ति जुड़ जाती है किसी समय, अब बालकनी में क्यों जाऊं मैं, अपने भगवान के साथ साथ, मैं अपने प्यारे के आसपास, मैं और मेरा भगवान, दूजा कोई है ही नहीं। अब तो बाहर बारात भी जा रही हो तो कोई नहीं खिड़की खोल के देखने जाएगा, वे क्या पराया दूल्हा मैं क्या देखूं, मेरा दूल्हा तो मेरे पास, मेरा प्यारा तो मेरे पास, मेरा प्रीतम मेरे पास, बाहर क्या देखना, तो कोई बड़ी बात है क्या। कई बार होता था भगवान के कमरे से ही होके आए, कोई बात ही हो गई, कभी कोई लीला ही हो गई सामने, अब पूरा पूरा दिन किसी से बोलने का मन ही नहीं करता था, क्यों ऐसे लगता था बस अब
दिल दिमाग में वो चले जा रहे हैं, मन भीगता रहता था। तो क्या हुआ, हम आए तो यही रस पीने हैं ना, तो जब हम पी रहे हैं हमारी कंटिन्यूटी बनी हुई है, हम क्यों, ये भी एक लोकारीत है फालतू वाली, क्या जरूरत है इसमें फंसने की। तुम अपने में मस्त रहो, मगन रहो, मौज करो अपने अंदर। इतनी मुश्किल से तो अंदर बाहर आई है, उजड़ा पड़ा था सब, प्यारे ने आके, प्रीतम ने आके क्या किया, बाहर ला दिए दिल में। अब जिसके अपने दिल में बहारें हो, वो बाहर गुलशन कौन सा देखेगा। अच्छा, अंदर उजड़ा हो तो बाहर का गुलशन वैसे ना अच्छा लगता, और अंदर बाहर आ जाए तो बाहर के गुलशन का वैसे ही क्या करना, काम अंदर वाले से ही। कहते हैं ना, दिल दा गुलशन जे ना खिड़िया, की करा मैं बाहर ने, मेरे दिल का गुलशन नहीं खिलेगा तो बाहर बहारें लगा दे, मैं क्या करूं। और जब मेरे अंदर बहार आ गई, मुझे किसी के गुलशन में झांकना ही नहीं, मेरे को अपने से ही फुर्सत नहीं है। उल्टा फुर्सत पाओ ही नहीं अपने से, ऐसा पकड़ लो कस के प्यारे को अंदर और बैठे रहो उससे, क्या करना है बाहर आके। आई बात समझ में कुछ, आज के बाद नहीं बात करना ऐसी।